માર જેમ જ ને કે એ પછી દાવવાય નહીં દોવાય નહીં કરી માર તો બી પાપા સિદ્ધિકો દૂધ પીલા રહે હે ઓર મમ્મી મિલ્કિંગ કર રહે હે પૂનમ કા और गायों को शुरुआत के 10-12 दिनों तक आधे से थोड़ा ज़्यादा ही दूध निकालते हैं हम, बाकी का रहने देते हैं ताकि उसका शुगर लेवल बना रहे, वरना पूरा दूध निकाल लेते हैं तो शुगर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी वो जो शुगर की बोतल आती है उसका डोज तो देते ही है हम थोड़े दिनों तक। लेकिन ये थोड़ी आलसी है दूध पीने में, तो हमें अलग से पिलाना पड़ता है इसको दूध थोड़ा सा। बस बस तो जावे ले और अभी पूनम जो खा रही है उबला हुआ कॉटन सीड की पाहिया जिसको हम बोलते हैं वो, और इसके साथ पानी में भिगोया हुआ दाल राजदाल जो पापा लाए थे वो भी है साथ में, और थोड़ा सा बाजरे का आटा है इसमें साथ में। तो अभी मैं और पापा टीना को क्या सिद्धि को लेके आए हैं यहाँ पर, और वो मुझे फॉलो कर रही है, खेलना है क्योंकि उसको इसलिए, और मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर ही आती है पीछे पीछे। और अभी दादी के पास गई थी, वो अभी गिर जाती लेकिन बैलेंस रह गया। इसको पता है कि कौन मुझे बुला रहा है तो उनके पास ही जाती है ये। પાસી 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 ઓરી આવ્યા ઓરી આવ્યા ઓરી આવ્યા
सिद्धि और ये आ जाए पास ही मराड़ी और ये तो ये सिद्धि का अभी मॉर्निंग वॉक चल रहा है। रामदेव अम्मा की शिवानी की तरह फॉलो कर रही है ये भारती फूल जैसे शिवानी को, उनका दिक्का कैसे उनके पीछे पीछे। तो अभी दादाजी गोपाल को लेके आए हैं, मैं तो इसे गोपाल बोलता हूँ, बाकी सब अभी नाम सोच रहे हैं, लेकिन मुझे गोपाल अच्छा लगता है तो मैं गोपाल बोलता हूँ। तो अभी उसे लाए हैं और वो बहुत ही शैतान है, मुझे भी साथ में खींच जाता है और बहुत करण को खींच के जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दादी पूनम को पानी से साफ कर रहे हैं, जो भी ये जो कचरा चिपका होता है इसमें स्किन में उसकी बालों में उसे साफ कर रहे हैं। पानी से गर्म पानी है शायद। और ये ऐसे कुछ बोल नहीं रही क्योंकि इसको पता है कि मुझे साफ कर रहे हैं, इसलिए ये एकदम ऐसे ही खड़ी है। और राधा और सिद्धि जो भी आप बोलना चाहिए, बंसी आप लोगों ने कहा है नाम, वो वहाँ पर है आनंदी, और दूसरा कुछ भी कहा था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और ये जो कल का डर्ट होता है जब उसने डिलीवरी की थी तब जो चिपका होता है इसमें वो साफ़ कर रहे हैं, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, ये अभी साफ करना बाकी है। और सारी जगह से इसको साफ करेंगे दादी, ऊपर से नीचे से पैरों को सबको। और अभी सिर्फ हाथ से ही साफ कर रहे हैं, बाद में जो ऐसा वाला ब्रश आता है ये वाला, उससे पानी डाल के साफ कर देंगे ताकि अच्छे से साफ हो जाइए। और इसको गर्म पानी से ही हम साफ करते हैं अभी तो, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है।
इसको अपनी बछड़ी के पास जाना है। तो अभी मैं पूनम को साफ कर रहा हूँ इस ब्रश से, जो उसके दूसरे जो बाल होते हैं ऐसे ही जो काम के नहीं होते वो इससे निकल जाते हैं। और इसको हम कंघी करना भी बोल सकते हैं, जो कि इसको ऐसे करने से इसके बाल एकदम सीधे हो जाते हैं। और इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे करें तो ये ऊपर ऊपर देखती जाती है। इसके लिए मेरे पास एक दूसरा है बंदूक, और ये जो उसकी पूंछ होती है उसको साफ करने के लिए मेरे पास ये है, क्योंकि पापा पोरबंदर से लाए थे। इससे भी इसके जो कचरा इसमें चिपका होता है वो निकल जाता है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देता हूँ ताकि ठीक से ये साफ हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सीताराम। तो अभी मैं और पापा ये जो हम लाए थे ये गायों के लिए मूंगफली का चारा उसे उतार रहे हैं। मैं और पापा ही है, जो दूसरे लोग आए थे वो भरने के लिए वो अभी दूसरे काम में लग गए हैं उनके, तो मैं और पापा उतार रहे हैं इसको। तो ये थोड़ी डस्ट की एलर्जी है तो इसको बांध के रखते हैं हम नाक पे और मुंह पे। मुझे भी है और पापा को भी है। इसका जो डस्ट निकलता है धूल वो नाक में जाती है, तो मुझे तो छींके आना शुरू हो जाती है। सबको यही होता है, ज्यादा डस्ट हो जाता है तो। तेरे अकेले की तकलीफ नहीं है आधी से ज्यादा दुनिया की यही तकलीफ है। मैंने दूसरा रखा है, मैंने रुमाल नहीं रखा जो ठंडी के मौसम में पहनने का आता है, वो उससे कान भी ढक जाते हैं ऐसा वाला। तो अभी थोड़ी सी मैं भी मदद करता हूँ पापा की, इसको कहीं पे रख देता हूँ। और अभी पापा ऊपर से इसको नीचे ला रहे हैं ताकि इजी हो जाए। पापा यहाँ से यहाँ तक आने देते हैं, फिर मैं यहाँ से नीचे खींच लेता हूँ यहाँ से वहाँ तक। और यहाँ पर जो मीठी इमली आती है कातरा, बखाई कातरा, उसका पेड़ है। और अभी लगता है एक भी है नहीं पके हुए,
पंछी खा गए हैं, एक भी मुझे तो नहीं दिख रहा है, थे लेकिन खा गए हैं। नीचे जो आएंगे वो हम खाएंगे, जो ऊपर ऊपर होते हैं वो तो पंछी खा जाते हैं। तो अभी मैंने पूजा को कैमरा पकड़ा दिया है और मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ पापा को। और पूजा को भी लगता है कि एलर्जी है। तो अभी मैं ये सारे काम सीख रहा हूँ, ये सारे काम भी आने चाहिए, तो मैं भी पापा के साथ में मदद कर लेता हूँ। और इसको साथ में ऐसे दबाना भी होता है ताकि ज्यादा इसमें आ जाए। तो अभी मालदेव मामा आए हैं ये बछड़ी को देखने के लिए, राधा को।